Hello? 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 मेमू साहब, मेरा फोन है? नहीं। तो फिर तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैंने कब बुलाया आपको? आप खुद आए हैं? किसका फोन था? पता नहीं, सुबह से आ रहा है। क्या फोन? किसका? मुझे क्या पता किसका है, बोल ही रहा कोई। हो सकता है गुंगा हो। गुंगा फोन क्यों करेगा महमूद साहब? भाई मुझे क्या पता, उसी से पूछो। किससे? जो फोन कर रहा है। लेकिन वो तो गूंगा है। अरे तो पूछ लो, पूछने में क्या हर्ज है? महमूद साहब, गूंगे से कैसे पूछूं? अरे भाई वो गूंगा है, तुम थोड़ा ही हो। अब आएगा तो पूछ लूंगा। एक कप चाय मिल सकती है? तुम उसको चाय का पूछोगे? चाय का मैं आपसे पूछ रहा हूँ। लेकिन मैं तो गूंगा नहीं हूँ। ओह, मैं खुद ही बना लेता हूँ चाय। खबरदार जो तुमने बोले बगैर फोन रखा तो। नबील। अरे आयशा तुम? मैं फरहा बात कह रही हूँ नबील। जान, तुम्हारी आवाज तो मैं लाखों में पहचान सकता हूँ। तो फिर तुमने आयशा क्यों कहा? प्यार से जान, आज से मैं तुम्हें आयशा ही कहूंगा। बिल्कुल नहीं। चलो ठीक है, फिर फराई ठीक है। कहाँ हो तुम? कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रहा हूँ। मैं तुम्हें सुबह से फोन कर रही हूँ, लेकिन बार बार भाई आ जाता है तो फोन रखना पड़ जाता है। अरे तुम्हारे भाई की तो ऐसी तैसी, वो जानता नहीं है मैं कौन हूँ। अरे उसको बताओ। अरे मेरा भाई तो बहुत गुस्से वाला है, दो बार तो अब्बा को मार चुका है। उसको समझाओ कि मैं एक बीमार आदमी हूँ। किससे बात कर रही हो? भाई वो मेरी दोस्त है। आवाज सुनाओ मुझे। हेलो। हेलो, कौन बोल रहे? मैं नबील बोल रही हूँ। क्या? हो सकता है बेटी हो। महमूद साहब आप मुझे अकेला छोड़ देंगे प्लीज? अरे हुआ क्या है, फोन किसका था? महमूद साहब मेरी गर्लफ्रेंड का फोन था, उसके भाई ने सुन लिया। उसने अपने भाई को फोन किया था? नहीं यार, उसने फोन किया था, उसके भाई ने सुन लिया। तो तुम उसके भाई से डर रहे हो? हाँ। तुमने उसे देखा है? नहीं। अरे तो फिर डर क्यों रहे हो? हो सकता है वो तुमसे कम खौफनाक हो। ओहो महमूद साहब सुने, अगर मेरा कोई पूछे तो कहिएगा मैं घर पे नहीं हूँ। बिल्कुल ठीक है। महमूद साहब। महमूद साहब। क्या हुआ? वो नबील कहाँ है? नबील तो घर पे नहीं है। क्यों? ओहो, मुझे अपनी दोस्त से मिलवाना था उसे। बेचारा। चले वो आए तो उसे बता दीजिएगा। इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त की तरफ, एक दो घंटे में आ जाऊंगी। ठीक है। कौन? तुम्हारी दोस्त? हाँ। तुमने खुद ही कहा था ना कि किसी को भी कह देना कि तुम घर पर नहीं हो। इसका क्या मतलब हुआ? ओ महमूद साहब, उसने अपनी दोस्त से मिलवाना था मुझे। देखता हूं जाए ना। देखे? देख तो रहा हूं। महमूद साहब टीवी मत देखें, बाहर देखें, बैल हुई है। जाए। और सुने, अगर कोई लड़की हो तो मुझे बताइएगा, अगर खुदा ना खासा लड़की का भाई हो तो उसको चलता कीजिएगा। जान से मार दूंगा मैं। नबील, महमूद साहब। अरे माय हार्ट विल गो ऑन हनी। छोड़ मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे महमूद साहब। महमूद साहब नाम नहीं है मेरा, अफजल नाम है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? किसकी हिम्मत भाई? किसकी? तूने किसकी हिम्मत की? तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं।
भाई कौन सी वाले के भाई हो? बता दो, मैं खुद शराफत से पिट जाऊंगा। शराफत से तो बाद में पिटेगा, पहले मुझसे पिटेगा। मैंने किया क्या? मैं शादी किया खूबसूरत से। कौन खूबसूरत? वो जहां रहती है। मैंने उससे शादी नहीं की, अल्लाह की कसम मैंने उससे शादी नहीं की। फिर किसने की है? मेरे उस फाजिल दोस्त ने की है। तुमने की है? मैंने किया, लेकिन अगर तुमने मुझे डराया ना तो यही कर दूंगा। शर्म कर, अपनी उम्र देख और अपनी हरकतें देख। छोड़ना मत इन्हें। ओए तू बुजुर्ग आदमी है, तुझे मारते हुए भी शर्म आती है मुझे? अब ये क्या बात हुई? ओए बुड्ढे, तुझे शर्म नहीं आई खूबसूरत से शादी करते हुए? मैंने उससे शादी नहीं की। तो फिर किसने की है? वो मेरे बेटे ने। कहाँ है तेरा बेटा? मेरा बेटा वो रहा। नहीं नहीं, अल्लाह की कसम मैं बेटा नहीं हूं इनका। पानी। नबील, तुम्हारी हालत ऐसी नहीं है कि तुम अभी नहाओ, थोड़ी देर सबर कर लो, फिर हम तुम्हें नहलाएंगे। महबूब साहब, आपने ये ठीक नहीं किया। अरे ये अब कोई भी ठीक नहीं कर सकता। कहाँ है खूबसूरत? अब कहाँ, पहले था। मैंने कहा खूबसूरत को बुलाओ। वो खूबसूरत नहीं है। अब अंधा है क्या? वो है खूबसूरत। है लेकिन नहीं है। जब मैं कह रहा हूँ कि वो खूबसूरत है तो वो खूबसूरत है। अफजल भाई, इनके कहने का मतलब है खूबसूरत घर पे नहीं है। हाँ। आप अपना नंबर दे दे। जूते का? नहीं, मोबाइल नंबर। वो आएगी तो मैं आपको फोन करके बुला लूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसे यहाँ से नहीं जाने वाला। आज मेरे साथ किसी न किसी की लाश जाएगी। मैं बुला के लाता हूँ। नहीं नहीं, तुम इस हालत में कैसे जाओगी? मैं बुला के लाता हूँ। अरे कोई कहीं नहीं जाएगा, वो बहुत देर से आएगी। कोई बात नहीं, आज मैं उसे लेकर ही जाऊंगा, वरना मैं यहां से जाऊंगा ही नहीं। उल्टा लटका दे साले को। अरे ये अपने साले को उल्टा लटका रहा है तो हमारा क्या असर करेगा? मेरा तो पहले कीमा निकाल दिया इसने। मगर तुमने तो सब्जी खाई थी। मैं मुसाब, ये आपको क्यों नहीं मार रहा? डरता है मुझसे। क्या बोला? क्या तो मैंने बोला ही नहीं। क्या क्या नहीं बोला भाई आपको? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, वरना गुद्दी से जबान खींच दूंगा। आप अपनी गुद्दी से जुबान खींचेंगे? भाई को हल्का मत लें। जब भाई के बाल बड़े थे ना तो जहाज खींचते थे बालों से, है ना भाई? ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। और तुम उठो, पानी लेकर आओ। आप जहाज खींचेंगे? मैं पीने के लिए ग्लास पानी मांग रहा हूँ। ठंडा या गर्म? ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, दरमियाना। भाई ये चलती है? चलती है, तभी तो हाथ में पकड़ी हुई है। इसमें गोली भी है भाई? अबे तो तू क्या इसको लाइटर समझ रहा है? नहीं, लाइटर वाली भी आती है। माफ कर दे भाई। तू करता क्या है? किस चीज का? अबे काम क्या करता है? काम के अलावा सब कुछ करता हूँ भाई। चल पैर दबा। चलते हुए पाँव नहीं दबा सकता भाई। चल अब दबा। अबे घोंचू, अपने पैरों की बात कर रहा हूँ, तो अपने पैर दबा रहा है? लेकिन भाई दर्द तो मेरे पाँव में हो रही है। गोली दूं क्या? इससे ठीक हो जाऊंगा भाई। ट्राई करना। बिल्कुल ठीक हो गया भाई, बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत गुस्सा आ रहा है जी। गुस्सा तो बहुत आ रहा है भाई, लेकिन क्या करूं? अबे मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे गुस्सा आ रहा है। लेकिन क्यों भाई? हाँ, ये पानी लेने गया था, अभी तक क्यों नहीं आया? गोली मार दे भाई, पानी मैं ले आऊंगा। अबे जब मैं गोली मार दूंगा तुझे तो तू पानी कैसे लाएगा? मैं जाके देखूं भाई। आ जा, मैं चेक करता हूँ, पानी में पानी ना मिला रहा हूँ भाई। मैं चेक करके आता हूँ। आप क्या पानी बना रहे हैं? अरे नहीं, मैं थर्मामीटर लगा के चेक कर रहा हूँ। पानी को बुखार हो रहा है? अरे नहीं यार। तो चेक क्या कर रहे हैं? चेक ये कर रहा हूँ कि पानी कहीं ज्यादा गर्म या ज्यादा ठंडा तो नहीं है, वरना वो बहुत मारेगा।
महमूद साहब मुझे एक बात बताएं, हम दोनों मिलकर इस आदमी का मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? चले आए फिर। उसके पास पिस्तौल है। नबील बताएं महमूद साहब। नहीं कर सकते। नबील आ रहा हूं अफजल भाई। अरे ये तो 102 है। बहुत गर्म है। नबील जी भाई इस टीवी को चला। ये चल नहीं सकता भाई। तो फिर यहाँ क्यों रखा है? इसलिए तो रखा है। अबे टीवी खोल। मुझसे क्यों टीवी खुलवा रहे हैं भाई? देखूंगा। मुझे टीवी खोलना नहीं आता भाई। अबे तो तुझे कुछ आता भी है कि नहीं? आता है भाई, लेकिन वो मैं खोल नहीं सकता। तो फिर देखता कैसे? किसको? टीवी को। आंखों से? अबे टीवी ऑन कर साले। ऐसा बोले ना तो ये ऐसा बोलने से ऑन हो जाएगा? नहीं। तो फिर मैं ऐसा क्यों बोलूं? मेरा मतलब है मुझे बोले। अच्छा मुझे बोलने से ऑन होगा? नहीं भाई, आप मुझे बोले कि टीवी ऑन कर दे। मैं तो तुझे ही तो बोल रहा हूँ इतनी देर से टीवी ऑन करने के लिए। मुझे भूख लग रही है। तो फिर पानी क्यों मंगवाया था? पीने के लिए। ये ले। लंच में क्या है? कहाँ? यहाँ और कहाँ? सब्जी सब्जी। मुझे मुर्गी चाहिए। भाई आपको मुर्गी अच्छी लगती है? हाँ लेकर आओ। हमारे यहाँ मुर्गी नहीं है। तो महमूद साहब पड़ोसी से बिल्ली ले हैं। अबे तो मैं क्या बिल्ली खाऊंगा? खाने के लिए नहीं भाई, दिखाने के लिए मंगवा रहे हैं। अबे मैंने बिल्लियां देखी नहीं है, मुझे मुर्गी चाहिए। आपने मुर्गी नहीं देखी हुई भाई? मैं मुसा आप एक काम करें, पड़ोसियों की बिल्ली से पूछ ले मुर्गी कहाँ मिलेगी। ओए तू ठंडी जुकते मार रहा है अली इमरान की मेरे ऊपर? भाई 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 इस बार इनको मार ले भाई। मैं क्या मार रहा हूं? मुझे जुकाम है। क्या हुआ? जूते में कील लग गया। महमूद साहब मुर्गी पकी कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं पकी? अरे नबील मुझे कहीं से थोड़ा सा जहर ला दो। मुर्गी जहर से खिलाएंगे आप? अरे नहीं, जहर मैं अपने लिए मंगवा रहा हूँ। महमूद साहब आपको जहर की क्या जरूरत है? आप तो खुद बड़े जहरीले हैं। अरे मैंने जहर खाना है। जहर खाने से बेहतर है कि उसके हाथों मरे। उसका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, मेरी भी जान छूट जाएगी। क्या कर रहे हो तुम लोग? भाई हम लोग यसु बंजू खेल रहे थे। यसु बंजू? क्या? मेरा मतलब हम सोच ही रहे थे कि हम में से पहले कौन जाएगा। मैं जाऊंगा या ये जाएंगे? पहले मैं जाऊंगा। हैं? बाथरूम कहाँ है? वहाँ होगा भाई। वहाँ कहाँ? जहाँ आप जा रहे हैं। अबे मैं तो वॉशरूम जा रहा हूँ। है कहाँ? ये आप जहाँ जा रहे हैं वो वॉशरूम है? हाँ वो वहाँ है। तुम दोनों जाकर सोफा पर बैठो, और अगर हिले तो बहुत बुरा होगा, याद है ना? एक लाश जरूर लेके जाऊंगा। ऐसा करते हैं कि इसको ना एक लाश ला देते हैं। महमूद साहब मैं तो कहता हूं लाश का रोल आप कर लें। मैं छोटे रोल नहीं करता ना। मैं बाहर खड़ी घंटियां बजा रही हूं और किसी ने दरवाजा नहीं खोला। शुक्र है चाबी थी मेरे पास। पहले दरवाजा नहीं खोल रहे थे, अब तुम लोग मुंह नहीं खोल रहे अपना। थोड़ी देर बाद तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसे क्यों बैठे हो? उसने हमें ऐसे ही बैठने को कहा है। किसने? उसने। महमूद साहब अदब से नाम ले। उन्होंने, भाई ने। हाँ हाँ उन्होंने। अरे भाई किसने? खूबसूरत तुम। मैं 5 फुट की लड़की को पिटते हुए नहीं देख सकता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आहिस्ता बोलो, आराम से, तमीज से। भाई लोग हैं यहाँ पर, लाश लेने के लिए आए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? खूबसूरत मैंने तुम्हारी बकवास नहीं सुननी। मेरी बात तो सुनो मेरी जान। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, और अगर मेरे बाहर आने तक तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हारा हशर करवा दूंगी। मुझे तो इतना मारा था, इसे क्यों नहीं मारा? ए यार बुजुर्ग आदमी, ऐसे क्या मारूं मैं? और मैं टिश्यू भी दे रहा हूं आंसू साफ करने के लिए। आंसू तो साफ कर रहा हूं। आप नाक से रोते हैं? हमारा एक दोस्त है टीपू, वो भी नाक से रोता है। ओहो महमूद साहब रोता वो आंखों से है, लगता नाक से है। मैं खूबसूरत की बात कर रहा हूँ, उसे क्यों नहीं कुछ कहा? अरे कहा तो था, तभी इतनी जोर से मुंह पे दरवाजा मार दिया। अब मैं क्या करूं? जान से मार दो इसे। इनको मारने से क्या फायदा मिलेगा मुझे? मैं इन्हें नहीं कह रहा, उसे। उसे? नहीं मैं प्यार करता हूँ उसे। तो फिर करो। क्या?
प्यार? अरे मुझे नहीं, उसे करो जाके, जाओ उसे। हाँ हाँ चलो चलो उठो, जाओ चलो जाओ, चल जाओ उसे प्यार करो, जाओ। महमूद साहब, वैसे इसने मुझे बड़ा मारा था। कोई बात नहीं, अब वो इसका बदला लेगी। मैंने कहा या तो मेरे साथ चलो या वरना मुझे जान से मार दो। फिर? अरे फिर क्या, तकरीबन जान से ही मार दिया उसने मुझे। तो दरवाजा खटखटा के तू क्यों जा रहा है? तभी से बात करो। चुप है, लड़की से पिट के आ रहा और हमें भरम दिखा रहा है। अबे इसके पास पिस्तौल भी है। महमूद साहब ना याद दिलाए, हौसला पकड़ने दे मुझे जरा, बड़ी मार खाई है मैंने इसे। मैं अब क्या करूं यार, कुछ तो बताओ। अंदर जा और मर्दों की तरह हाथ पकड़ उसका, अपने घर लेके जाओ उसे। चल शाबाश। क्या बोला? अरे मैंने तो अभी कुछ बोला ही नहीं था, उसने मारना शुरू कर दिया। क्यों? कपड़े बदल रही थी, मुझे क्या पता था, मैं तो बात करने गया था, इतना मारा पता नहीं क्या जानती है ये मेरे साथ। तुझे मारना बनता था। नबील, अगर इसे कुछ हो गया तो? महमूद साहब ये आदमी है। अरे इस आदमी को कुछ हो गया तो हम खूबसूरत को पकड़वा देंगे। अरे अगर ये मर गया तो खूबसूरत को कौन पकड़ेगा? खूबसूरत को पुलिस पकड़ेगी। अच्छा, यानी कि खूबसूरत भी जाए और ये भी जाए। यस। अब मैं कुछ नहीं कर सकता। लगता है खूबसूरत ने बगैर देखे मारा है। महमूद साहब मुझे तो लग रहा है खूबसूरत ने देख देख के मारा है। इसका मतलब है तुमने हार मान ली। नहीं। तो फिर खूबसूरत के अब्बा को फोन करो और बताओ उन्हें कि खूबसूरत ने मुझे बहुत मारा है। नहीं, कि इसने शादी नहीं की हुई, इसे आके यहां से ले जाएं। गुड आइडिया, गुड आइडिया। अरे ये रहा खूबसूरत का कमरा। मुझे पता है। तो तू किधर जा रहा है? वॉशरूम, हिम्मत जमा करने। ये वॉशरूम में हिम्मत है? हिम्मत है तो जाके देख ले। वैसे महमूद साहब इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। वो अंदर शिकार करने गया है? अरे नहीं यार, ये बाहर निकलकर खूबसूरत के अब्बा को फोन करेगा। वो शिकार करेंगे? नहीं, वो खूबसूरत को यहाँ से ले जाएंगे। अब फिर दोनों जाकर शिकार करेंगे, है ना? यानी आप दोनों उससे मिले हुए? किससे? अफजल से। अरे हाँ, आज ही तो मिले। आप लोग मुझे मेरे घर भेजना चाहते है ना? हाँ। जरा सोचे अगर मैं चली गई तो इस घर का क्या होगा? यही सोच कर तो ये तुम्हें निकाल रहा है। ठीक है, तो फिर मैं साइमा को फोन कर देती हूँ। तो कर दो। यही कहोगी ना कि मैंने किराएदार रखा हुआ है? नहीं, मैं ये कहूंगी कि यहाँ पे किराएदार रख ले और तुम्हें यहाँ से निकाल दे। अच्छा, हाँ उसे कहना कि अच्छा किराएदार रखे। महमूद साहब। हाँ। अब ऐसे कैसे ले जाएगा वो हमारी खूबसूरत को? हमारी खूबसूरत? हाँ, हमारे घर की इज्जत। लगता है आप लोगों ने खूबसूरत को मना लिया है। अरे किस बात पे? मेरे साथ जाने के लिए। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। अच्छा, लगता है तुम्हारे अब्बा को फोन करना ही पड़ेगा। इधर आओ, ये मेरा फोन है। सॉरी नबी भाई, मैं अपने फोन से करता हूँ, लेकिन तुझे मैं लेके जरूर जाऊंगा। बदतमीजी करता है मेरी होने वाली बीवी से। बीवी? नबी भाई क्या बोल रहे? पिछड़ो महमूद बेटा, तुम्हारी जुर्म कैसे हुई मेरी बहू पर इस तरह की नजर डालने की? पीछे पीछे, इसने मुझे बड़ा मारा, इसने मुझे बड़ा मारा, इसने मुझे मारा।